मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कंटिन्यू नंबरिंग स्टाइल का जो प्रोसेस है वो आप लोग वर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से एक लिस्ट बना के रखा है जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और सभी डिपार्टमेंट में कोई मतलब इसमें जैसे पांच कैंडिडेट, इसमें पांच है, इसमें पांच है, तो आप पाँच क्यों, आप कोई भी कितना भी आपको चाहिए, जितना चाहिए आप उतना बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका जिस जो डिपार्टमेंट में जितना कैंडिडेट काम करते हैं, जितना जितना स्टाफ काम करते हैं, उसका सभी का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो करना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो नंबर है इसका, जैसे नंबर यहाँ पे हमको अगर देना है तो कुछ इस तरह का नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि 1 to 5 यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ से 6 से स्टार्टिंग होगा, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर यहाँ से होगा 11, 12, 13, 14 एंड 15। लेकिन नॉर्मली हम लोग का नंबरिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जितना एक साथ सिलेक्ट कर लेते उसी का नंबर बस चेंज कर पाते। तो नंबर चेंज करने के लिए आपको जाना, मतलब नंबर स्टाइल देना देने के लिए, नंबरिंग स्टाइल देने के लिए आपको होम टैब में जाना होता है। होम टैब से यहाँ पे देखिए नंबरिंग आइकॉन है, इसका लिस्ट वन में क्लिक कीजिए और जो नंबर स्टाइल आपको देना है उसमें क्लिक कर दीजिए। तो देखिए 1 to 5 तक ये नंबरिंग तो हो गया है। फिर से आप अगर इसको सिलेक्ट करके आप चाहते हैं कि 6 से हो, लेकिन ये 6 से फ्रेंड्स नहीं आएगा, देखिए ये भी आ रहा है 1 से 5 तक ही। और फिर आप अगर इसको भी सिलेक्ट करके आप कोई भी नंबर देंगे तो इसमें भी 1 to 5 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए होगा 11 से और यहाँ पे होगा आपको 10 से। तो ये फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा कि हम लोग इसमें 6 से कर सके इसको। तो इसको करने के लिए आपको फिर से ये नेम्स सारा जो जिसको आपको चेंज करना है, जैसे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उसका नंबरिंग को चेंज करना है हमको, तो सभी का नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से चले जाइए आइकॉन लिस्ट, नंबरिंग आइकॉन लिस्ट पॉइंट में, अब वहाँ से आप जाइएगा सेट नंबरिंग वैल्यू में। फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एडवांस वैल्यू आ रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 6 से चाहिए तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 आ गया है। फिर से आपको 11 से चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट पॉइंट में जाइए, फिर सेट नंबरिंग वैल्यू में क्लिक कीजिए और फिर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, एडवांस वैल्यू स्किप नंबर्स, और यहाँ पे आप कर दीजिए 11, ठीक है, फिर ओके। तो देखिए यहाँ पे 11, 12 से 13, 14, 15 इस तरह से आ गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।